दोस्तों BSNL सिम लेके बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो है दोस्तों BSNL सिम लोग लेना चाहते हैं, BSNL सिम को अभी यूज़ करना चाहते हैं, BSNL को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन BSNL सिम जो है वो मिल नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि BSNL सिम का जो प्राइस है, जो पोर्ट प्राइस है या न्यू सिम का जो प्राइस है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसा मांगा जा रहा है। किसी जगह पे 50 रुपया, किसी जगह पे 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया मांगा जा रहा है। तो BSNL न्यू सिम का ओरिजिनल प्राइस क्या है, पोर्ट करने में कितना खर्चा होता है, BSNL सिम मिलेगा कहाँ, और BSNL सिम लेने के बाद हम लोगों को ऑफर्स में क्या मिलेगा, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। इसके बारे में मैंने 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन अभी वो ऑफर जो है अलग हो चुका है, चेंज हो चुका है, तो उसके बारे में आज के वीडियो में बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो अगर आप BSNL सिम खरीदना चाहते हैं तो आपको कितना रुपीज़ देना पड़ेगा। एक न्यू सिम के लिए दोस्तों आपको 50 रुपीज़ भी दिया सकता है, किसी किसी जगह पे 60 रुपीज़ भी लिया जा रहा है, किसी किसी जगह पे 100 रुपीज़ भी लिया जा रहा है। स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BSNL सिम का जो है कोई भी प्राइस नहीं है, BSNL सिम का प्राइस जो है 0 है। कंपनी से दुकानदारों लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर को BSNL सिम जो है फ्री में दिया जाता है, और कस्टमर को भी फ्री में दिया जाने के लिए बोला जाता है। लेकिन BSNL सिम जो है दोस्तों अभी क्राइसिस चल रहा है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों BSNL सिम के पीछे कोई 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक ले रहा है। तो अगर आप BSNL को सपोर्ट करना ही चाहते हैं, इसी जगह से अगर आप BSNL सिम खरीदना चाहते हैं, तो 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ दे दीजिए, 80 रुपीज़ तक, 100 रुपीज़ तक आप दे सकते हैं। 100 रुपीज़ में देने के बाद आपको क्या फ़ायदा है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए 100 रुपीज़ जो है ये आपका फालतू का नहीं जाएगा, 100 रुपीज़ देने के बाद आपको 249 का एक रिचार्ज है BSNL का, जो है 2 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 GB करके डेटा, 100 SMS पर डे, ठीक है। तो ये आपको फ्री में मिल जाएगा, तो 100 रुपीज़ देके हम न्यू सिम खरीदेंगे 249 का रिचार्ज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि BSNL सिम ले तो खरीदे कहाँ से, कहाँ से खरीदे, क्योंकि BSNL सिम किसी भी मोबाइल शॉप पे नहीं मिल रहा है, जो अम्ब्रेला लगा के जो लोग सिम बेचते हैं वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है, तो कहाँ पर से ले। तो सिंपली देखिए दोस्तों, स्पेशली BSNL सिम जो है इधर उधर उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, अवेलेबल नहीं है। तो स्पेशली आपको एक चीज़ तो ढूंढना ही पड़ेगा कि आपके इलाका में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर है जो BSNL का डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो BSNL का डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही आपको BSNL का सिम मिलेगा, और उसके साथ अगर आपका आसपास कोई BSNL ऑफिस है तो भी वहाँ से आप BSNL सिम खरीद सकते हैं। उसके साथ एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं कि जो लोग अम्ब्रेला लगा के जियो का, एयरटेल का, VI का सिम बेचते हैं, वहाँ पर भी दोस्तों आप जाके पता कर सकते हैं कि BSNL सिम यहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत तूफान आने वाला है दोस्तों, तो मैं वीडियो शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ और एक काम कर सकते हैं कि 1507 या 1503 ये 2 नंबर पे कस्टमर केयर का नंबर है, यहाँ पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं आपके एरिया का सर्किल कोड देके, आपके पिन कोड देके, कि आपको यहाँ पर आपके एरिया के कहाँ पर BSNL सिम मिलता है, तो ये आप पता कर सकते हैं कस्टमर केयर पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया है, यही एक छोटा सा वीडियो था, बहुत तूफान आने वाला है, बारिश आने वाला है, इसके लिए मैं वीडियो कट करता हूँ। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हो सकता है कि आज का वीडियो आपको पसंद ना आए हो लेकिन कल का वीडियो आपको पसंद आ सकता है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और उसके साथ दोस्तों ये मतलब बहुत ही ज़्यादा तूफान आने वाला है, मैं अभी वीडियो कट करता हूँ, चारों तरफ एकदम अंधेरा छा गया है, तो इसके लिए जरूर एक लाइक जरूर कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।